नमस्कार, द नगरी मीडिया की खास पेशकश डिजिटल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर हुए चुनाव में मतगणना के परिणाम एग्जिट पोल के मुताबिक देखने को मिले। 7 सीटों पर हुए उपचुनाव में 5 सीटों पर भाजपा, 1 सीट पर कांग्रेस और 1 सीट पर भारत आदिवासी पार्टी ने जीत हासिल की। भाजपा ने उपचुनाव में सलुम्बर, देवली, उनियारा, झुंझुनू, रामगढ़ और खीवसर सीट से जीत हासिल की, तो वहीं कांग्रेस को दौसा सीट पर जीत के साथ संतोष करना पड़ा। वहीं 84 में भारत आदिवासी पार्टी ने जीत हासिल की है। हालांकि सलुम्बर सीट पर अंतिम राउंड के परिणाम ने भाजपा ने बाजी मारते हुए जीत हासिल की, तो वहीं दौसा में किरोड़ी लाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा की हार ने सबको चौंका दिया। राजस्थान में चाहे 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहे थे, लेकिन सबकी नजरें सिर्फ झुंझुनू और दौसा सीट पर टिकी हुई थी। झुंझुनू में जहां ओला परिवार के 2 दशक के राजनीतिक वर्चस्व के बीजेपी के राजेंद्र भामू ने खत्म किया, तो वहीं दौसा का परिणाम चौंकाने वाला रहा। दौसा सीट पर किरोड़ी लाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा को कांग्रेस के प्रत्याशी दीनदयाल बैरवा से 2300 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि हार के बाद जगमोहन मीणा ने अपनों पर ही हार होने का ठीकरा फोड़ दिया, तो वहीं कांग्रेस भी दौसा सीट पर जीत का जश्न मनाते हुए नजर आई। उपचुनाव में 7 में से 5 सीटें जीतने के बाद भाजपा खेमे में खुशी का माहौल नजर आया। सीएम भजनलाल शर्मा ने जीतते हुए सभी प्रत्याशियों से फोन पर बात करके शुभकामनाएं दी, तो वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने इस जीत को कार्यकर्ताओं और मतदाताओं की जीत बताया। मदन राठौड़ ने भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता करते हुए एक बार फिर से कांग्रेस पर निशाना साधा। इसके साथ ही देवली, उनियारा और खीवसर की सीट पर हनुमान बेनीवाल और नरेश मीणा पर भी निशाना साधते हुए नजर आए, तो वहीं डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने भी बीजेपी की 5 सीटें जीतने पर खुशी जताई। उपचुनाव में करारी हार के बाद पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने हार को स्वीकार किया है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने उपचुनाव परिणाम के बाद प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि झुंझुनू और देवली, उनियारा सीट पर हार की उम्मीद नहीं थी, दोनों ही सीटों पर मंथन किया जाएगा। हालांकि डोटासरा ने सेकेंड लाइन तैयार करने की बात कहते हुए कहा कि हार की जिम्मेदारी लेते हैं। इसके साथ ही दौसा चुनाव के परिणाम पर डोटासरा ने बीजेपी पर करारा हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी ने दौसा में साम, दाम, दंड, भेद की नीति अपनाई, लेकिन इसके बाद भी उनको हार का सामना करना पड़ा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने राजस्थान पशु परिचर सीधी भर्ती 2023 के प्रवेश पत्र शुक्रवार को जारी कर दिए हैं। अभ्यर्थी अपने SSO ID से इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। कर्मचारी चयन बोर्ड सचिव का कहना है कि अभ्यर्थियों को परीक्षा शुरू होने से 2 घंटे पहले पहुंचना होगा। पशु परिचर भर्ती परीक्षा का आयोजन 1, 2 और 3 दिसंबर को 2 पारियों में किया जाएगा। पहली पारी की परीक्षा सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी, तो दूसरी पारी की परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे 5:30 बजे तक होगी। पशु परिचर के 5,934 पदों पर भर्ती के लिए 17 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, यानी राजस्थान परिचर भर्ती में एक पद के लिए करीब 286 अभ्यर्थी दावेदार होंगे। युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और संगरिया विधायक अभिमन्यु पुनिया ने आज हनुमानगढ़ जंक्शन में नशा बचाओ संघर्ष समिति के पोस्टर का विमोचन किया। इस दौरान हनुमानगढ़ विधायक, जिला प्रमुख सहित अन्य जनप्रतिनिधि और नागरिक मौजूद रहे। इस मौके पर विधायक पूनिया ने दौसा में कांग्रेस की जीत को आम कार्यकर्ताओं की जीत बताया। वहीं जिला प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्ति अभियान को खाना पूर्ति बताते हुए विधायक पूनिया ने कहा कि यह अभियान सिर्फ कागजों में चल रहा है और जमीनी धरातल पर नशा तस्करों पर पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पर्थ में खेले जा रहे पहले टेस्ट में भारत ने शानदार वापसी करते हुए दूसरे दिन मजबूत पकड़ बना ली है। पहले दिन महज 150 रनों पर सिमटने के बाद भारत ने ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी को महज 104 रनों पर ही समेट डाला। कप्तान जसप्रीत बुमराह ने पहली पारी में 5 विकेट लिए, तो वहीं राणा को 3 और सिराज को 2 सफलता मिली। वहीं दूसरी पारी में KL राहुल और जायसवाल ने शानदार शुरुआत दी। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने दूसरी पारी में बिना विकेट खोए 171 रन बना लिए हैं। यशस्वी जायसवाल 90 रन बनाकर नाबाद हैं, तो KL राहुल 62 रन बनाकर नाबाद खेल रहे हैं। टोंक जिले की देवली, उनियारा विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी के राजेंद्र गुर्जर ने जीत हासिल की। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा दूसरे नंबर पर रहे। बीजेपी के राजेंद्र गुर्जर 40,914 वोटों से जीते। राजेंद्र गुर्जर को कुल 1,259 वोट मिले। दूसरे नंबर पर रहे नरेश मीणा को 59,345 वोट मिले। वहीं कांग्रेस की सबसे बड़ी हार हुई। कांग्रेस के कस्तूर चंद मीणा ने तीसरे नंबर पर रहे। कांग्रेस प्रत्याशी मीणा को कुल 31,138 ही वोट मिल पाए। देवली, उनियारा सीट पर KC मीणा की हार को हरीश मीणा की हार के रूप में देखा जा रहा है, तो वहीं नरेश मीणा की हार उनके राजनीतिक करियर पर विराम लगाने के रूप में देखी जा रही है।
राजस्थान में अब पारा तेजी से लुढ़क रहा है। बीते 3 दिनों में ही राजस्थान के अधिकतर जिलों में तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। इस दौरान दिन और रात के तापमान में करीब 3 से 5 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई है। तो वहीं सर्दी के साथ ही अब सुबह और शाम हल्के कोहरे ने भी दस्तक देना शुरू कर दिया है। प्रदेश के करीब आधा दर्जन से ज्यादा जिलों में रात का तापमान 10 डिग्री से नीचे पहुंच चुका है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ दिनों में अभी दिन और रात के तापमान में करीब 2 से 3 डिग्री तक और गिरावट दर्ज की जाएगी। राजस्थान में शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया अगले महीने से शुरू हो सकती है। इसको लेकर शिक्षा मंत्री 26 नवंबर को जयपुर में बैठक ले सकते हैं। आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री कुछ दिन पूर्व ही कहा था कि रीट 2025 नोटिफिकेशन 25 नवंबर तक जारी कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक भी इस परीक्षा के अधिकृत सूचना राजस्थान बोर्ड अजमेर को नहीं मिली है। अब उम्मीद है कि 26 नवंबर की बैठक में रीट परीक्षा को राजस्थान बोर्ड अजमेर को अधिकृत सूचना मिलने के साथ ही इस पात्रता परीक्षा की तिथि भी जारी कर दी जाएगी। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।